तिरंदस गया ज्ञानंजनाशलाकक्षुन्मलत ये तस्म श्रीगुव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअदैतक गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन भगवत गीता कर रहे हैं हम सिक्स चैप्टर चल रहा था हमारा तो सिक्स चैप्टर में अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा था एक और कृष्णा उसका आंसर दे रहे थे तो कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने जो अभी हम पिछले दो तीन सेशन से डिस्कस कर रहे हैं कोई बता सकता है कौन सा क्वेश्चन पूछा अर्जुन कौन बताएगा माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकती हाँ तो अर्जुन ने एक तो ये बात बोली थी कुछ टाइम पहले कि माइंड जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा मेरा <coughs> तो इसके लिए क्या किया जाए ठीक है ये एक बात हुई थी उसके जवाब में कृष्णा ने बोल दिया था कि प्रैक्टिस एंड क्या दो पॉइंट तो हाँ प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट करना है फिर अर्जुन ने एक और क्वेश्चन पूछा था क्या क्वेश्चन पूछा था उसके बाद कौन बताइ पीपल्स हां हरी कृष्णा आई थिंक उसने बोला था कि अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे ना चलकर मिड में रह जाए तो क्या होगा करें करें तो कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू करे लेकिन पूरा अपना सक्सेस अल्टीमेट परफेक्ट ना हो पाए सक्सेसफुल ना हो पाए वो अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में तो फिर क्या उसकी क्या दशा होगी क्योंकि वो तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा उसने कोशिश भी की लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ तो मटेरियल वर्ल्ड भी नहीं एंजॉय कर पाया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नहीं कर पाया तो क्या होगा उसका दशा तो उसका रिप्लाई हम देख रहे थे कि कृष्णा ने क्या रिप्लाई किया right? तो yes. रिप्लाई स्टार्ट हुआ फोर्टी से फोर्टीएथ श्लोका से स्टार्ट हुआ और चलता चलता रहेगा अभी रिप्लाई वही हम डिस्कस कर रहे हैं कृष्णा बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे एक एक पॉइंट यहाँ तक तो हम फिर से पढ़ते हैं फोर्टी और फोर्टी हमने कल डिस्कस किया था तो इसकी ट्रांसलेशन कौन पड़ेगा ये दोनों की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे फिर हम फोर्टी सेकेंड में जाएंगे ठीक है तो कौन वॉलेंटियर करेगा फोर्टी और फोर्टी सेकेंड फोर्टी फर्स्ट की ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए You want someone to volunteer? Should I read? Ah, kavita. 6.40 Translation The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pratha, a transcendentalist engaged in auspicious activities, does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. Uh, next 41 shlok translation yes. the unsuccessful yogi after many many years of enjoyment on the planets of the pious living entities is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocrats are krishna तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था अब हम आज जाएंगे फोर्टी सेकेंड पे कुछ देखते हैं फोर्टी सेकंड के बाद अगर हमारे पास टाइम होगा फोर्टी थर्ड भी करेंगे नहीं तो फोर्टी सेकंड को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें प्लीज रिपीट आफ्टर कुले अथा कुलती धीमता, धीमता दुर्लभ तरम एक दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम लोके जन्म यदि दृशम ओके कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए इसके वॉलेंटियर्स ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए जिनने अभी तक पढ़ा नहीं है इंदु आंटी कैन यू रीड हाँ इसको ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पूछना हरे कृष्ण और इफ अनसक्सेसफुल after long practice of yoga he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom certainly such a birth is rare in this world purple should i read ah please birth in a family of yogis or transcendentalists those with great wisdom is praised herein because the child is born in such a family, receives a spiritual impetus from very beginning of his life. It is especially the case in the Acharya or Goswami families. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India, there are many such Acharya families but they have not now degenerated due to insufficient education and training. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalists generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master, Om Vishnupada Shri Sharmid shirimad bhakti siddhar siddhanta saraswati goswami maharaj and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the lord and both of us were tra trained in the devotional service of the lord from the very beginning of our lives later on we met by the order of transcendental system hari krishna अरे कृष्णा थैंक यू फॉर रीडिंग तो देखो पिछले श्लोक में हम क्या डिस्कस कर रहे थे बोल रहे थे कि अनसक्सेसफुल योगी जो होता है वो कई साल एंजॉय करता है हायर प्लैनेट्स में और उसके बाद रिच फैमिली में बर्थ होता है उसका तो यहाँ पे प्रभुपात बता रहे थे कि पर्पट में कि दो क्लासेस हैं एक तो ऐसे हैं जो बहुत ही थोड़े सा प्रोग्रेस किया उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ में और वो डिस्ट्रैक्ट है डेविएट हो गए तो जो उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है उनके लिए तो ये होता है कि वो हायर लाइफ में चले हायर उसमें चले जाते हैं प्लानिट्स में स्वर्ग लोक में चले गए महार लोक में चले गए और फिर वहां पे उन पूरा होने के बाद यहाँ पे रिच फैमिली में अर्थ में जन्म ले लेते हैं और फिर उसके बाद कैरी ऑन करते हैं जो उन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति की है लेकिन जिन्होंने थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है अब स्पिरिचुअल लाइफ में आफ्टर यहाँ पे लिखा है आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा जिन्होंने थोड़ी और प्रैक्टिस कर ली है ऐसे लोगों का बर्थ कहाँ होता है ऐसी फैमिलीज में होता है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, जिनसे वहाँ उनको काफ़ी फैसिलिटीज मिल सकें नेचुरली अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी फैमिलीज में पैदा हुए जहाँ पे जहाँ पे स्पिरिचुअल एटमोस्फेयर है तो वो वहाँ पे अच्छे से सीखते हैं सुनते हैं समझते हैं और उस हिसाब से उनका प्रोग्रेस बड़ी नेचुरल हो जाती है ऐसे बच्चों की तो हम भी देखते हैं कई बार ऐसे बच्चे होते हैं वो छोटी एज में ही पूरी उनको भगवत गीता कंठस्थ हो जाती है पूरे छोटे एज में ही वो कीर्तन वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं भगवान के बारे में सुनते हैं वो और उनको एक बारी में याद हो जाती है तो ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं कई डिबोटीज की फैमिली में तो प्रभुपाद यहाँ पर्पट में समझा रहे हैं कि फैमिली ऑफ योगीज और, और ट्रांसजेंडेंडल इनके जो फैमिली में बर्थ लेते हैं और ऐसे एटमॉस्फेयर में जो जिनका ये अपब्रिंगिंग होती है उनके शुरू से स्पिरिचुअल एक्यूमन बहुत स्ट्रांग रहता है और जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं बड़े बड़े गोस्वामीज होते हैं वो सब हम देखते हैं कि ऐसे एडवांस्ड उनका बैकग्राउंड होता है कईयों हो का कईयों का एडवांस बैकग्राउंड होता है और इनफैक्ट uh, प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ऐसे लोगों का जिनको ऐसा सौभाग्य मिला कि ऐसी अच्छी स्पिरिचुअली एडवांस्ड फैमिली में बॉर्न हो तो कौन से दो एग्जाम्पल दिए यहाँ पे प्रभुपाद ने पर्पट में कौन बताएगा देखते हैं किसने ध्यान दिया है परपट पढ़ने में कोई बता सकता है

तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम जो इन्होंने बोला ओम विष्णुपात श्री, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ये एक्चुअली कौन ओम विष्णुपात श्री, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज है, कौन? को पता है? नो. ये एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद के गुरु हैं जिन्होंने प्रभुपाद को जो प्रभुपाद जो अभी स्कॉन के फाउंडर है ना जिन्होंने पूरा स्कॉन की स्थापना करी पचास साल पहले उनके गुरु हैं और जब ये छोटे थे थोड़ी थोड़ी चीजें हम बताते हैं इनके बारे में आपको जब ये छोटे थे तो इनका बर्थ हुआ कहा पहले तो इनका बर्थ हुआ एक ऐसी फैमिली में जिसमें इनके माता पिता जो थे वो ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअली एडवांस थे वो खुद बहुत बड़े सेंट थे इनके फादर और इतने बड़े सेंट थे वो कि उनका पूरा टाइम जो था सुबह से लेकर शाम तक वो एक एक सेकंड भगवान की सेवा में लगता था तो क्योंकि उनकी फैमिली थी तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उन्होंने जॉब करी थी तो वो मैजिस्ट्रेट थे इनके पिताजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी का नाम है यहाँ ना पे लिखेंगे हम शिला विनोद ठाकुर क्या नाम है उनका उनका नाम है शीला भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे थे वो और भक्ति विनोद ठाकुर के कई सारे बच्चे थे करीब करीब दस बच्चे थे उन कम से कम दस बच्चे थे उनके और सबकी उन्होंने अच्छे से बच्चों का ध्यान रखा और सिर्फ मटेरियल लेवल पे नहीं स्पिरिचुअल लेवल में भी बहुत अच्छे से ध्यान देखा इतना ध्यान अच्छे से लगा कि एक एक बच्चा जो था उसको भगवान से खूब प्रेम था और जो ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं जो उनके एक बच्चे हैं ये आ, सन्यासी बने और जब ये छोटी एज में थे बालक थे तीन साल के थे ये तो तीन साल के थे और एक बारी गलती से इन्होंने एक आम खा लिया कुछ आम पड़े हुए थे वहां पे इन्होंने खा लिए और इनके पिताजी ने कहा ओह ये आम तो अभी ऑफर नहीं हुए थे ये भगवान को भोग नहीं लगा था तो ये तीन साल के थे सिर्फ इतना सुना इन्होंने अपने पिताजी से कि अच्छा इसको भोग नहीं लगा था तो इनको इतना बुरा लगा कि मैंने एक आम खा लिया मैंगो खा लिया अनऑफर्ड तो उनको बहुत बुरा लगा उन्होंने कहा कि मैंने भगवान को दिए बगैर खा लिया मैं जिंदगी में कभी भी मैं जिंदगी में कभी भी आम नहीं खाऊंगा अपनी पूरी लाइफ में कभी मैं आम नहीं खाऊंगा उन्होंने ये सोचा और ये तीन साल की उम्र में हुआ था जब ये साठ साल के हो गए ना तो उनके शिष्य शिष्य साठ साल की उम्र में भी आके बोलते थे कि ये प्रसाद आम तो बोलते थे कि देखो मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं मैंने पाप किया है इसलिए मैं आम नहीं खा सकता कौन सा तीन साल का बच्चा है जो एक कसम ले लेता है और उसको साठ साल की उम्र तक निभा पाता है ऐसे कोई बहुत ज्यादा आपको एग्जाम्पल दिखेंगे नहीं लेकिन हम देखते हैं भक्ति सरस्वती महाराज जो कि प्रभुपाद के गुरु बने आगे चल के वो बचपन में ऐसे थे और जब वो अभी छह महीने के ही थे एक्चुअली तो छह महीने में ही जो भगवान जगन्नाथ जी हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है आप लोगों में से कोई है जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में गया हो पुरी में कोई है यस यस yes. yes. जगन्नाथपुरी ना हाँ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में कभी गए नहीं रथ यात्रा में तो वहां पे जब रथ यात्रा होती है तो इतनी भीड़ होती है आप लोगों को पता होगा कि कुछ आ, आ, समझ में नहीं आता कि ये रथ चल रहा है नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्योंकि भगवान अपनी मर्जी से ही चलाते हैं उसको जब उनका मन होता है तब वो चलते हैं जब नहीं मन होता तो जितना खींच लो रस्सी को कोई बढ़ा नहीं सकता भगवान का रथ आगे तो जब छह महीने के बालक थे ये भक्ति सन्तान था सरस्वती महाराज तो इनके घर के सामने एकदम आके रथ रुक गया और जब घर आके वहां रुका तो तीन दिन तक वहीं रुका रहा फिर इस बालक को लेके आए भगवान के सामने भगवान के चरणों में रखा और भगवान के चरणों में से हार गिरा इनके गले में और फिर रथ आगे बढ़ा तो ये एक स्पेशल लिविंग एंटिटी है जो आए आचार्य बड़े बड़े भक्ति सिद्धांत सरस्वती और इनको ऐसी फैमिली में भक्ति विनोद ठाकुर जी की फैमिली में मिला बट तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब सात साल की उम्र में थे तो उनको पूरी की पूरी भगवत गीता पूरी भगवत गीता उनको कंटस्थ थी और वो उस पर लेक्चर भी दे सकते थे किसी भी श्लोका का पूरी भगवत गीता उनको याद थी और बड़े होकर इन्होंने एक बारी स्कूल जैसे जाते हैं ना बच्चे तो स्कूल जाते थे और स्कूल में हमेशा ये टॉपर थे कभी कोई ऐसी चीज ऐसी बुक होती नहीं थी जो इनको सेकंड टाइम पढ़नी पड़े एक बारी बुक जो पढ़ लेते थे वो दिमाग में इनके कंठस्थ हो जाती थी और इतनी स्ट्रोंग वैकेबुलरी थी इनकी हर सब्जेक्ट की चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो बंगाली हो संस्कृत हो इतनी स्ट्रांग कमांड थी आज भी अगर आप इनकी बुक्स पढ़ोगे जो इंग्लिश में रखी हैं तो आपको डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए तो ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बहुत स्पेशल इनको कहा जाता था वॉकिंग इन क्योंकि इनको पूरी नॉलेज थी हर सब्जेक्ट के बारे में इनफैक्ट ज्योतिष ज्ञान इनका इतना स्ट्रॉन्ग था कि देख के व्यक्ति को बता देते थे उसके बारे में सब कुछ इनको पता लग जाता था लेकिन ये कभी उस ज्योतिष विद्या के ऊपर वो नहीं करते थे इनका फोकस यही था कि कृष्णा कृष्णा की सेवा इनफैक्ट ये लोगों को बोलते थे कि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है भगवान की सेवा में लगो और परफेक्ट करो अपनी लाइफ और आपको कभी भी कोई मटेरियल वर्ल्ड की समस्या में पड़ने की जरूरत ही नहीं तो ये बहुत ही एडवांस पर्सनालिटी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इन्होंने पहली बारी जब ये प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद एक एक आम बिजनेसमैन थे उनका बच्चे थे वो अपना नया नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे थे नई फैमिली थी प्रभुपाद की तो पहली बारी भक्ति से सरस्वती महाराज ने जब देखा प्रभुपाद को उन्हें कहा आप तो एक अच्छे इंटेलिजेंट यंग बॉय हो आपको तो ये नॉलेज गीता की भागवतम की वेदों की ये पढ़नी चाहिए अच्छे से और इसको अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के अंदर आपको सिखाना चाहिए तो तब प्रभुपाद उनका नाम था अभय तो अभय ने बोला उन्होंने कि अभी तो हम गुलाम हैं अभी कौन हमारी बात सुनेगा तो इन्होंने बोला भक्ति सरस्वती महाराज ने देखो ये गुलामी वगैरह तो ये तो चलती रहेंगी चीजें पॉलिटिकल चीजों के लिए डिले मत करो स्पिरिचुअल चीज को स्पिरिचुअल चीज में फोकस करोगे तो पॉलिटिकल चीजें अपने आप ही हैंडल हो जाएंगी वो सारी चीजें अपने आप ट्रैक में आ जाएंगी तो जब उनको अच्छे से समझाया तो काफ़ी घंटों की बहस के बाद अभय बाबू पूरी तरह से कन्विंस हो गए कि ये बिल्कुल ठीक बात है ये जो नॉलेज है ये बहुत ज्यादा स्पेशल नॉलेज तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल फैमिली में हुए भक्ति सद सरस्वती महाराज और क्योंकि ये पहले से ही इतने एडवांस थे तो इनके लिए छोटी एज में ये सब चीजें करना कोई बड़ी बात है तो इससे हमें है लगता है कि पुरानी जो संस्कार है जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है व्यक्ति की वो कभी खत्म नहीं होती कभी जाती नहीं उसी तरह से प्रभुपाद का एग्जाम्पल हम देखते हैं जो प्रभुपाद है जो जिनको हम प्रभुपाद कहते हैं वो एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद उनका नाम जो प्रभुपाद है वो छोटी एज से ही ऐसी फैमिली में बॉन्ड हुए जिसमें उनके पिताजी जो हैं वो भगवान पे पूरी तरह से आश्रित थे पूरी तरह से राधा कृष्णा पे आश्रित थे प्रभुपाद के पिताजी हमेशा किसी भी साधु से मिलते थे तो उनको वेलकम करते थे अपने घर में प्रसाद देते थे और एक ही चीज उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप मेरे ये बे, मेरा जो बेटा है अभे आप इसको आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त बने हमेशा ऐसे आशीर्वाद मांगते थे और प्रभुपाद जब बच्चे थे उन्होंने कई साधुओं को एक्चुअली देखा था जो आते थे घर में लेकिन प्रभुपाद ने उनके स्टडी किया कि ये सारे जो हैं ये व्यक्ति ये इतने ज्यादा कैरेक्टर इनका बहुत एडवांस कैरेक्टर नहीं है कुछ कुछ आ, व्यक्ति ऐसे हैं जो जो बिल्कुल नाम के लिए साधु बने हुए हैं तो प्रभुपाद का जो फेथ था साधुओं में वो कम हो रहा था वो कम हो गया था काफी तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे किसी साधु से मिलने के लिए लेकिन जब उनके एक मित्र ने बोला नरेंद्र ने बोला कि चलो चलो एक स्पेशल व्यक्ति आया उससे मैं आपको मिलाता हूँ तो पहले इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन फिर वो चले गए और जब वो मिले इस व्यक्ति से और वो कौन थे वही उनके गुरु थे शिला भक्ति सिद्धांत सर तब उनका एकदम डाउट खत्म हो गया उन्होंने कहा देखो आज के टाइम में भी जो है लोग ऐसे ऐसे हैं जो जेन्युनली प्योर हैं जेन्युनली प्योर साधु भी एग्जिस्ट करते हैं तभी यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि कई ऐसे आचार्य और गोस्वामी फैमिली में एडवांस लोग आते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे भी लोग हैं जो डीग्रेड हो गए हैं है न इंडिया देर आर मेनी सच आचार्य फैमिली बट दे हैव नाउ है तो वो डीग्रेड हो गए हैं क्यों क्योंकि अब वो ज्यादा नॉलेज वेदों का ज्ञान नहीं मिल रहा उनको ना अच्छे से वो सीखते हैं ना सिखाते हैं उनको ट्रेनिंग ही नहीं है प्रॉपर उनको स्क्रिप्चर्स की नॉलेज नहीं है इसलिए वो बंद हो तो जाते हैं प्रीस्ट पंडित और ये सब लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है एटिकेट नहीं है उनको ये नहीं पता कि कैसे करना है और कैसे आज आगे ट्रेन करना है इसलिए वो क्या करते हैं वो पैसे के लिए लोगों के पीछे पड़ जाते हैं या कोई लो लेवल का जो है रिलीजन्स वो फॉलो करते हैं या इन रिलीजियस मीन्स फॉलो करते हैं इनफैक्ट कई ऐसे तो साधु हैं उनको खुद ही भगवान पे विश्वास नहीं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस बनाया हुआ उन्होंने तो ऐसे लोगों के संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमारा ही फेथ डगमगा जाता है हमें लगता है भाई ये तो कोई ऑर्डनरी है कोई है नहीं तो हम इतनी जो रेयर स्पेशल साइंस है उसको एकदम ऑर्डिनरी समझ लेते हैं उसको एकदम इरेलीवेंट समझ लेते हैं और हम भी बाकियों की तरह वही रैट रेस में लगे रहते हैं कि भाई पैसे कमाने हैं गधे की तरह सुबह से शाम तक आ, उसको कमाना है उसके बाद लु, लुटाना है वीकेंड में और शाम में रात में उसको किसी ना किसी तरह लुटाना है और इसी में सोचते हैं हम कोई हमारे को खुशी चूस लेंगे हम ऐसे लेकिन कुछ मिल नहीं रही और उस वजह से क्या होता है कई लोग डिससेटिसफाइड हो जाते हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ती आती है लोग सुसाइड करते रहते हैं डिससेटिस्फेक्शन होता है फाइट्स होती हैं क्वारल्स होती है हिपोक्रेसी होती है चीटिंग होती है और इसमें लोग जो है परेशान से परेशान होते जा रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन को भी वो यही सिखाते हैं क्योंकि उनको और कुछ पता नहीं लगता तो ये सोसाइटी जो है अभी बहुत खराब टाइम से गुजर रही है क्योंकि सोसाइटी में इतनी ज्यादा ग्रीड है इतनी ज्यादा लस्ट एंगर एनवी ये सब चीजें चल रही हैं तो इसीलिए हम देखते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्राइम्स कितने सारे रेप्स मर्डर्स ये सब हो रहा है कितने सारे नेचुरल कैलामिटीज आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन ये सब हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि लोग ग्रीडी हैं वो अपनी भूख के लिए सृष्टि मदर नेचर को पॉल्यूट कर रहे हैं खराब कर रहे हैं वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो ये इंटरनल प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा लोगों को इस वजह से एक्सटर्नल्स भी सारे डिस्टर्बड हैं कंटेमिनेटेड हैं जब तक हमारे अंदरूनी हमारे अंदर से साफ सफाई नहीं होगी तब तक बाहर की साफ सफाई होना वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है होगी भी अगर बाहर की कोई साफ सफाई तो वो बड़ी सुपरफिशियल होगी इट्स नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग और कोई उस सफाई के चक्कर में हम कोई दूसरी चीजें पॉल्यूट करेंगे लेकिन अगर हमारी इंटरनल्स प्योरीफाई होंगे तो नेचुरली हम एक्सटर्नल्स को प्योरीफाई करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम समझे कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है ये पूरी तरह से इंटरनल्स और एक्सटर्नल सबको प्यूरिफाई कर देता पुंडरे काक्षा सुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु मतलब ये है कि जो भगवान का पवित्र नाम है वो एक्चुअली हर तरीके से प्यूरिफाई कर देता है अंदर से भी बाहर से भी हर तरीके से तो यहां पे प्रभुपात ने जो एग्जाम्पल दिए हैं हमने देखा और प्रभुपात ने बताया कि बोथ ऑफ अस वर अस्ट इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ लेटर ऑन वी मेड बाय द ऑफ़ देंटल सिस्टम ओके ग्रेट और राइट right. तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हालांकि एक पर्टिकुलर लाइफ में कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हुई और फिर जहां तक आपने करी वो तो ठीक है फिर नेक्स्ट लाइफ में आप वहां से शुरू करते हो जहां पे आपने छोड़ा होता है ये बात तो है लेकिन अगर कोई परफेक्ट हो जाता है अगर किसी ने इतनी अच्छे से अपनी साधना करी कि वो एकदम सिद्ध हो गए तो फिर वो भगवान के धाम में जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग जो भगवान के धाम में होते हैं वो हमें सिखाने के लिए भी आते हैं धरती पे तो इसको समझाने के लिए मैं यहां पे आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूं ये सबको दिख रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं यहां पे एक ये दो तरीके के जो जीवा इतने सारे सोल्स होती हैं ना उसमें दो तरीके के हैं एक तो बद्ध जीव है बद्ध जीव जो है उनको कहते हैं कंडीशन कंडीशन सोल्स मतलब कि जो काफी उनकी जो बिहेवियर है वो प्योर नहीं होता वो कंडीशन होता है और कंडीशन सोल्स में होते हैं लोग पूरी तरह से कंट्रोल्ड से कंट्रोल होते हैं वो मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर से कंट्रोल होते हैं मोड ऑफ मटीरियल ने रजोगुना और तमोगुना के प्रभाव में काम करते हैं तो इसको उनको कहते हैं वो बद्ध जीव है और उसके अंदर डिवोटीज भी आते हैं नॉन डिवोटीज भी आते हैं डिवोटीज मीन्स अभी जो जस्ट शुरू की है जैसे हम लोग ने अभी शुरू किया है ये स्पिरिचुअल लाइफ तो अभी हम बद्ध हैं अभी हम कंडीशन है अभी हम कंट्रोल्ड है ठीक है ना और नॉन डिवोटीज भी आते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ का वो लोग भी आते हैं तो ये सब हो गए लेकिन जो बद्ध जीव के अलावा जो लिबरेटेड लोग, लोग, लोग हैं जो मुक्त पुरुष हैं जो सिद्ध पुरुष हैं ऐसे लोग भी होते हैं अब सिद्ध पुरुष जो परफेक्टेड बींग्स हैं उसमें दो तरीके के सिद्ध पुरुष होते हैं एक होते हैं नित्य सिद्ध और एक होते हैं साधना सिद्ध अब जो साधना सिद्ध है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस तो कर लिया था लेकिन अभी परफेक्शन नहीं हासिल करी लेकिन वो इन्होंने इतने अच्छे से साधना की इतने अच्छे से चैंटिंग हेयरिंग एसोसिएशन सब अच्छे से किया और वो पूरी तरह से परफेक्ट हो गए इस लाइफ में ऐसे लोगों को कहते हैं साधना के द्वारा जो सिद्ध हो जाए वो साधना सिद्ध होते ठीक है और दूसरा होता है नित्य सिद्ध नित्य सिद्ध मीनस ये ऑलरेडी सिद्ध पुरुष थे ऑलरेडी भगवान के एसोसिएट थे ऑलरेडी वो भगवान के साथ लीला कर रहे थे वृंदावन में भगवान के को असिस्ट कर रहे थे अलग अलग तरीके से और वो इस धरती पे प्रकट होते हैं और धरती पे प्रकट क्यों होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करने के लिए तो में से आता है कि जैसे कलयुग में भगवान आए ना तो भगवान के कई पार्षद भी आए भगवान के कई एसोसिएट भी आए कलयुग में जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले तो उनके साथ राधा रानी भी आई गदाधर पंडित थे वो उनके साथ हनुमान जी भी आए वो मुरारी गुप्ता थे तो ये सब नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध मीन जैसे मुरारी गुप्ता ये सिद्ध ये साधना करके सिद्ध नहीं हुए ये पहले से ही सिद्ध थे तो ऐसे कई सारे आचार्य आए जो शट गोस्वामी छह गोस्वामी वृंदावन में आए पांच सौ साल पहले वो सारे के सारे नित्य सिद्ध हैं नित्य सिद्ध मीन वो अभी सिद्ध पुरुष नहीं बने वो पहले से भगवान के एसोसिएट थे और यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आए उसी तरह से प्रभुपाद भी जो है वो एक्चुअली नित्य सिद्ध है प्रभुपाद पहले से ही भगवान के एसोसिएट है और भगवान की सेवा में लगे हुए और वो इस धरती पे आए एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए उसी तरह से उनके गुरु भी जो है वो नित्य सिद्ध है तो ऐसे कुछ होते हैं नित्य सिद्ध लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो साधना करके सिद्ध बनते हैं जो पहले सिद्ध नहीं होते पहले हो सकता है वो अलग क्या कहते हैं थोड़े एडवांस हो गए हो भक्ति में लेकिन पूरी तरह से सिद्ध नहीं थे लेकिन जिन्होंने साधना कर करके सिद्ध पूरी तरह परफेक्शन हासिल कर ली तो जैसे अभी हम देख सकते हैं एग्जाम्पल आने वाले कल के श्लोक में आएगा कल जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में भरत महाराज का तो भरत महाराज हालांकि एडवांस है काफी स्पिरिचुअली लेकिन उनको तीन जन्म लग गए पूरी तरह से साधना करके एकदम परफेक्ट होने में तो उसका एग्जाम्पल हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और देखते हैं किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो वो ले लेते ले हैं पहले सबको आज का क्लियर हुआ क्या हमने डिस्कस किया अभी तक कोई ऐसा पॉइंट था जो लोगों को जिसमें कोई डाउट हो या कोई डिस्कशन और चाहिए तो ये जो तुमने बताया था ओम विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और हम्बल सेल्फ मतलब ये किसके तो लिए है मेंशन है हाँ हम्बल सेल्फ मतलब प्रभुपाद अपने लिए बोल रहे हैं कि मेरे गुरु और मैं हम दोनों को ऐसा सौभाग्य मिला कि हम ऐसी फैमिली में जन्म लिए जिस फैमिली में हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भगवान के ए, सेवा में लगे हुए थे तो क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे इसलिए बचपन से ही प्रभुपाद के गुरु ने भी और प्रभुपाद ने भी बचपन से ही अपने पेरेंट्स से काफी सीख लिया था काफी उनको ज्ञान नॉलेज आ गई थी काफी सारी स्क्रिप्चर्स और बुक्स के बारे में उनको नॉलेज आ गई थी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था तो ये बोल रहे हो ठीक है ना जैसे हमारा ये तो खैर बहुत आ, ए, एडवांस हो गए जो आचार्य हैं मगर हम भी अपनी फैमिलीज में देख सकते हैं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बॉर्न होते हैं जो एंगेज करते हैं छोटी लाइफ में उनको भी ये है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रेस एग्जैक्टली हाँ हम तो, exactly. तो, exactly. तो ये बच्चे जो है उनका भी है एग्जाम्पल और बाकी यहाँ पे तो स्पेसिफिकली जो डिस्कशन है ये तो एकदम नित्य पुरुष के बारे में है जो नित्य सिद्ध डिवोटीज हैं जो भगवान के पहले से एसोसिएट्स हैं यहाँ ये उनके एग्जाम्पल है लेकिन कृष्णा जो जिस जो पॉइंट यहाँ पे कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अगर कोई कोशिश करता है भक्ति में आगे बढ़ने का और नहीं भी परफेक्ट हो पाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट लाइफ में उनको ऐसा एटमोसफेयर मिलेगा जहां वो कंटिन्यू कर सकते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर सही मायने में किसी का भी अपना या अपने फैमिली मेंबर्स का भला करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें स्पिरिचुअल लाइफ में उनके को कोशिश करना चाहिए कि इंकरेज करें हमें और वो एडवांस करें अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ में आज थोड़ा सा भी एडवांस करेंगे तो ये उनके साथ हमेशा रहेगा कितने कितने लाइफ टाइम तक तो बेटर है कि हम उनका सही स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ भी ध्यान से सोचें ठीक है ना हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे अब हमें खुद इतना लेट रियलाइजेशन हुआ है तो अब बच्चे तो अब इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनको ये चीज वो करना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है तो ये कैसे हो सकता है एग्जैक्टली exactly, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो हमने अभी मिस कर दी बोट या अभी हमने मिस नहीं करी अभी हमारा कुछ कंट्रोल है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक ही व्यक्ति के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है जिस व्यक्ति को हम कुछ कर सकते हैं और वो है हम खुद बस हम भी मोड्स और मटेरियल नेचर से कंट्रोल्ड है तो हम भी एक तरह से बहुत थोड़े लेवल पे अपने आप को कर सकते हैं एंगेज क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने जो है बहुत अपना जो पुराने कंडीशनिंग और पुराने संस्कार हैं उनके हिसाब से अपनी हैबिट्स ऐसी पाल ली हैं जिसमें से चेंज करना बड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कितना मुश्किल है चेंज होना और अगर हम सीरियस रहेंगे चेंज करने में और भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान की सेवा के लिए लगेंगे और अगर मान लो हम प्योर हो जाते हैं तो आप अगर प्योर हो जाओगे तो आपकी फैमिली में सबको उसका बेनिफिट मिलेगा जैसे प्रहलाद महाराज एक प्योर डिबोटी बना था उसके वजह से पूरी फैमिली में उनको बेनिफिट हो गया था हिरण्य कश्यप को भी मोक्ष मिल गया था आगे बलि महाराज भी उनके ग्रैंड सन आए वो भी प्योर डिवोटी क्यों क्योंकि प्रहलाद महाराज थे तो उसी तरह से अगर कोई भी बन जाता है प्योर तो उनकी फैमिली ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होती है चेंज होती है उनको बेनिफिट मिलता है आपको खुद बहुत ज्यादा एक्टिवली करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कर भी नहीं सकते एक एज के बाद बच्चों के ऊपर अगर कोई सोचे कि हमारा कंट्रोल आएगा तो उससे एक ही प्रॉब्लम होगी बच्चे और माँ बाप टोटली बात करना बंद कर देंगे वो अलग ही हो जाएंगे क्योंकि किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों को नहीं कंट्रोल कर सकते माँ बाप को नहीं कर सकते स्पाउस को नहीं कर सकते बस एक ही अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं हम और अपने माइंड को जैसे भगवान बता रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण क्रि� हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसकी चैंटिंग करके हम अपने माइंड को अपनी कॉन्शियसनेस को उनको प्रॉपर तरीके से प्योरीफाई करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अगर हम ये करेंगे भगवान की सेवा में लगेंगे और हमारी इच्छा होगी ना कि हम ये दें भगवान का जो है नॉलेज बाकी लोगों को अपने बच्चों को अपनी फैमिली को तो भगवान उसकी अरेंजमेंट करेंगे फिर हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप भगवान की सेवा में लगोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार मेरे जो बच्चे मेरी जो फैमिली है ये तो एक्चुअली भगवान ज्यादा इनसे प्यार करते हैं मैं जितना प्यार करती हूँ अपने बच्चे से उससे ज्यादा तो भगवान प्यार करते हैं तो भगवान अरेंज करेंगे और भगवान आपको गाइड करेंगे कैसे करना है देखो लेडीज के लिए तो बहुत आसान है लेडीज के लिए तो बहुत ही ईजी है क्योंकि क्या होता है कि खाते तो बच्चे घर में ही है है कि नहीं अगर अच्छे से अच्छा कुकिंग करें उसको भगवान को ऑफर करें और बच्चों को खिलाए प्रसाद तो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई फोर्स करने की जगह बच्चों को प्रसाद खिलाना बहुत जरूरी है अगर प्रसाद खिलाओ और भगवान के नाम का कीर्तन घर में चलाओ अलग अलग उसमें तो वो सबकॉन्शियसली बच्चों के दिमाग में चलेगा वो सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में चलेगा तो ये दो फर्स्ट स्टेप हैं एक तो अपने आप को प्योरीफाई करना खुद सीरियसली फॉलो करना और दूसरा कि ऑफरिंग करके देना बच्चों को कीर्तन चलाना घर में घर का एटमॉस्फेयर जो है वो इस तरीके से बनाना कि कृष्णा को ध्यान रखना और कृष्णा के बारे में कॉन्शियस होना ये नेचुरल हो जाए लोगों को जब हम एंटर हुँ। तो ये फर्स्ट टू स्टेप्स और इंटेंस अगर आप इंटेंसली भगवान से प्रार्थना करोगे तो आप देखो कि कैसे भगवान ट्रांसफॉर्म कर देंगे डज इट मेक सेंस प्रभु जी थैंक यू वेरी नाइस क्वेश्चन और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन कॉमेंट कोई पॉइंट ऑल राइट तो आई थिंक आज का हम यही स्टॉप करते हैं कल हमारी क्लास नहीं होगी फिर हम परसों करेंगे परसों से फिर हम एवरी डे करेंगे इज दैट ओके Yes, right. तो अब हम एंड करते हैं यहाँ पे हम इलेवन टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र